दे दूं। ओके नमस्ते एसीपी साहब, मेरा नाम पप्पू है और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? आपकी बेटी जिससे प्यार करती है उसके साथ मेरी ठसन है। उसकी लाइफ में आपकी बेटी गई, इसके लिए यहाँ आया हूँ। उसकी चैलेंज का जवाब देने मैं यहाँ आया हूँ। और ये भी जान लीजिए कि आपकी बेटी कैसी दिखती है, मैंने उसे देखा नहीं। अभी आ गई है भाई। आई, उसकी आइटम ये है क्या? देखो एसीपी, तुम राजी हो गए तो शादी और फिर हनीमून, और राजी नहीं हुए तो हनीमून और फिर शादी। तुम्हारी बातों से दो बातें मेरी समझ में आ गई। पहली, मेरी बेटी किसी लड़के से प्यार करती है। दूसरी, तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। अगर मेरी बेटी तुमसे शादी करने के लिए राजी होती है तो मुझे खुशी होगी, लेकिन तुम्हारी मदद करने से मेरा क्या फायदा? आपको क्या चाहिए? टीजीपी। टीजीपी, पहले शादी की डेट फिक्स करिए। एसीपी के बेटी के साथ मेरी सगाई फिक्स हो गई है, आपको आना पड़ेगा। अरे पप्पू, एंगेजमेंट और संगीत का मनमोहक खेल मैंने बहुत खेला है पप्पू। अगर लड़की की मर्जी के बिना तुमने शादी की तो तुम एक जख्मी शेर का शिकार बन जाओगे। मंडप में जाने वाला पप्पू उसका इतिहास में अच्छी तरह से जानता हूँ। अभी आऊं? जरूरत नहीं दादा, मैं खुद संभाल लूंगा। जानते हो, तुम्हारी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाएगा। पिताजी, आपको पता है क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन मत दो, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। फोन क्यों नहीं आंसर कर रहे हो गौतम? अब मेरी लाइफ का प्रॉब्लम सिर्फ तुम ही सॉल्व कर सकते हो। क्या हुआ नंदिनी? मेरे डैडी ने पप्पू से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी है। तुम्हारे डैड है का? तुम मुझे डीजीपी बनाने वाले हो? मुझे डीजीपी बनाना प्यार करने जितना आसान नहीं है। सर, लाइफ में हर मैटर के लिए सिंपल और इजी सॉल्यूशंस होते हैं, वो तो हम हैं जो उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। मुझे आपको डीजीपी बनाना एकदम छोटा और मामूली सा काम लगता है। और कॉन्फिडेंस, लेकिन मुझे पप्पू पर कॉन्फिडेंस है। पता है क्यों? क्योंकि उसका बहुत स्ट्रांग बैकग्राउंड है और उसे माफिया का बॉस दादा का सपोर्ट है। भले ही वो गलत रास्ता अपनाए, लेकिन वो मुझे डीजीपी जरूर बना दे। अगर आप सिंसियरली ड्यूटी करेंगे तो डीजीपी बन जाए। अभी प्रैक्टिस शुरू नहीं की और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने का सपना देख रहे हो। तुम चाहते क्या हो? मैं इस उम्र में दौड़ा दौड़ा कर एनकाउंटर करूं? और अगर उन्होंने मेरा एनकाउंटर कर दिया तो? मैच चाहे कोई भी जीते, कप सिर्फ कैप्टन को ही देते। समझा नहीं? बहुत सिंपल है सर, आप अपनी गन मुझे दे दीजिए, दादा और उसके गैंग की लिस्ट दे दीजिए, एक एक करके उनका इनकाउंटर करूंगा और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कह दीजिए कि आपने किया है। ओ, बन जाऊंगा डीजीपी, जरूर बन जाऊंगा डीजीपी। गो 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 है। देखा सर, ये आदमी नहीं मिसाइल है, देखना ये कैसा धमाका करेगा। क्यूरी, आज बहुत खुश लग रही हो। एंगेजमेंट होने वाली है ना, और देखना गौतम ऐसा होने नहीं देगा। गौतम? क्या हुआ चाचा? नंदिनी के डिजाइन किए हुए फोटो फ्रेम में फोटो या तो इस गौतम की होनी चाहिए या फिर इस गौतम की। ये बीच में लंगूर कौन है? जो भी हो, इस एंगेजमेंट को रोकना होगा। चलो।
गई क्या? हेलो, कौन है वो जिसने बबर को मारा? मुझे पता था गौतम, मेरे लिए और मेरे प्यार के लिए तुम कोई भी रिस्क ले सकते हो। I love you so much. I love you too. Hey, अब तो बता दे ये सब हो क्या रहा है भाई? इस सब के लिए मैंने नंदिनी के डैड को कंसल्ट किया था। मतलब प्यार के लिए तुम मर्डर करोगे? मतलब उसे डीजीपी बनाने के लिए क्रिमिनल्स को मार दोगे? ससुर जी ने लिस्ट दी है चाचा, अब उस लिस्ट में जिसका भी नाम है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं समझ गया, ये एक एक को टपकाएगा, सबको लगेगा एसीपी ने मारा है और इस तरह एसीपी को प्रमोशन मिल जाएगा, फिर ये नंदिनी से शादी कर लेगा। आपका होने वाला दामाद शेर है सर, बिल्कुल शेर की तरह उसने शिकार किया है, लेकिन जो भी हो ये आपके अकाउंट में डाल दो। मैं सर, दादा के आदमियों को मारने का क्रेडिट मेरे अकाउंट में डालूंगा तो एक दिन दादा मुझे ही टपकाएगा। गौतम के हाथों जब दादा आखिर में मारा जाएगा तब हम बताएंगे ये एनकाउंटर मैंने किया था। मुझे सही में नहीं पता, एक मारने वाला बता सकता है, दूसरा जिसने देखा वो बता सकता है, और तीसरा मरने वाला बता सकता है। मरने वाला बताएगा और फिर मारने वाले को हम मारेगा। दादा का बेटा है मैं। ये बच्चों के लिए तो भाई है लेकिन भाइयों के सामने बच्चा है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। फिर कब मिलोगे डार्लिंग? जाओ जाके तुम अपनी पसंद की साड़ी खरीदो। कहाँ है मेरा प्यारा भतीजा जिसकी शादी होने वाली है? आप पहली वाली शादी में नहीं आए और अभी इस शादी के लिए आए हैं? ये दो दो शादियों क्या बात कर रहे हो? दोनों का अब सिर्फ फ्लैशबैक ही रह गया। सब बताओ क्या हुआ है? वो देखिए, आखिर तेरी शादी का प्रॉब्लम क्या है? चाचा, शादी करना मेरा सपना है। तुम तो हमारे खानदान के चिराग हो, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे पिताजी की शादी हुई थी, तेरे पिताजी और माँ की शादी ठीक ठाक हुई थी, और तेरे दादाजी नाना जी ने मिलकर बातचीत की और तुम्हारे पिताजी की शादी तुम्हारे माँ से हो गई। बहुत मेहनत करने के बाद में तुम पैदा हुए थे, और मेरे शादी की बात करने से पहले ही मेरे पिता की मौत हो गई थी। हमारे खानदान में शादी नहीं हो सकती है, लड़की पसंद है उसका इस्तेमाल करो, भूल जाओ। बाहर ऑटो में एक मस्त आइटम है, भेज दूं क्या? चाचा आप भी ना। समझ गया, मेरा ही भतीजा। ए, तुम लोग इधर क्यों आए? दुश्मनों के साथ दोस्ती करना मेरा परम सिद्धांत है। मेरा भी यही सिद्धांत है, सेम टू सेम। तो हम चले? आ चलो। ओके। एंगेजमेंट रुक गई ना बेटा? वो बब्बर शेर मारा गया ना। मुझे लगता है बब्बर की मौत के पीछे इन दोनों का ही हाथ है। तुम्हारी ये ड्रामाबाजी बंद करो, बब्बर को तुम नहीं मारा है, मुझे पता है। सही कहा, मैंने ही मारा। जो मुंह में आए बकते हो, मेरी उतनी हिम्मत कहाँ कि मैं बब्बर को मारूं? उससे तो अच्छा मैं नंदिनी को ही मार देता। कुछ भी बोलते हो, पहले पता लगाओ उसे किसने मारा है। भैया, आपके नाम से डीवीडी आई है। ऐसे क्या दिख रहा है भाई? क्या बताऊं आपको, आपकी आइटम से तो वो बिन लादन की आइटम कई गुना अच्छी है। अलकायदा हो या और कोई, आज से 30 दिन के बाद मेरी शादी होगी। स्ट्रॉन्ग मुहूर्त निकालो, उस दिन आ जाना। बाप रे, 30 दिन है। मुझे ऐसा लगता है चाचा कि तब तक ये होने वाली दुल्हन को बहुत टॉर्चर करेंगे, न जाने क्या होगा। चलो, हमारी जान तो बच गई। तब तक हम क्या करेंगे? कर लेंगे कुछ ना कुछ, बैंकॉक जाकर एंजॉय करते हैं। चलिए भाई, भाई उन्हें रोके ना भाई, भाई उसे अपनी आंखों से टॉर्चर देखने दो ना भाई। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, नंदिनी को आने दो। ये लोग नंदिनी के नाम पे हमें जमकर मार खिलाएंगे। तुमको कोई नहीं मार सकता, तुमको मारने से पहले इन लोगों को चंद्रमा पर फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा। आ,
I am Dr. Lepasol, FRCS, returned from London, retina specialist. Who are you? I am Dada ka beta. Kiska dada re? Dada ko nahi janta tu? Nahi. गन का दादा, what can I do for you? एक आदमी का मरने के बाद में उसका कौन सा पार्ट कितना देर जिंदा रहता है, ये बात तुम मेरे को बताओ। बॉडी तो मर जाती है लेकिन हार्ट थोड़ी देर काम करता है, स्किन 7 दिन तक जिंदा रहती है, ब्रेन 3 घंटे तक काम करता है और आंखें 6 घंटे काम करती है, और बाकी के पार्ट्स के बारे में आई डोंट नो। ओह आई सी, वेयर यू सी? आईज, 6 आवर्स। तो इसको जिसने भी मारा होगा तो इसका आंख में उसका इमेज होगा नेचुरली। हाँ, तो उसका इमेज हमको चाहिए। हेवी बॉडी, यू सी, इसकी आंखें जर्सी निकाल कर रेटिना अलग करके कैमरे की तरह इमेज निकाल कर उसके बाद उसे प्रिंट करके। प्रोसेस मत बताओ हमको, हमको रिजल्ट दिखाओ, रिजल्ट। अब 4 दिन वेट कीजिए। वेट करने का टाइम नहीं है मेरे सर। गन से बुलेट निकालना इजी है सर, लेकिन रेटिना से इमेज निकालने के लिए कम से कम 4 दिन लगेंगे। आप वेट कीजिए, प्लीज वेट कीजिए। ए रुको, सुनो, पप्पू तो स्ट्रॉन्ग मुहूर्त निकालने के लिए कहकर कहीं चला गया, अब हम क्या करें? मुहूर्त को आगे बढ़ा देते हैं। वो कैसे? ऐसे। नंदिनी की एंट्री। भैया भाभी आ गई है।